सेल में मेरा बर्थडे आ रहा है, दिवाली जो साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो मैं दिवाली और मेरी बर्थडे पार्टी दोनों साथ में कर रही हूँ। तो आज मेरी बर्थडे का थीम इंडियन ड्रेसेस है, तो आज जितने भी लोग आपको देखने मिलेंगे वो सारे इंडियन ड्रेस में देखने मिलेंगे। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या है आने? अभी मेरी दो मूवी जो है गुजराती, उसमें से एक जो है शूट आउट करके वो दो दिन के बाद ही रिलीज़ होने वाली है, धनतेरस के दिन। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी विशेज मिले मुझे और मेरी मूवी बहुत ही सक्सेस हो, क्योंकि उसमें मैंने नेगेटिव लीड रोल किया है। एंड एक मेरी मूवी है क्या रिज यशु पताया, इट्स अ कॉमेडी मूवी जो मैंने बिग बॉस फेम अरविंद वेगड़ा के साथ किया हुआ है, दे ऑल्सो कमिंग। हाँ, मैंने वैम्प का रोल किया है, इट्स माई फर्स्ट रोल कि मैंने नेगेटिव लीड किया है, वो भी गुजरात में, क्योंकि गुजरात में मोस्टली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट मेरे लिए बहुत थोड़ा चैलेंजिंग था पर मैंने कर लिया। और वो पूरी मूवी जो है वुमन ओरिएंटेड मूवी है, उसमें जो कॉप है वो भी लेडी है, वैम्प है वो भी लेडी है, और भी दो तीन लेडी है जो इसमें पूरा रोल कर रही है, प्लस इसका एडिटिंग भी एक लेडी ने किया है, उसका गाने भी मतलब म्यूज़िक भी एक लेडी ने किया हुआ है, तो काफ़ी सारी मतलब महिलाओं की टीम है इस मूवी में। जैसे कि आप बर्थडे सेलिब्रेशन जब मनाते हो, हाँ, स्कूल में किस तरह से मनाते थे, किसके बारे में कुछ बताना चाहिएगा? एक्चुअली स्कूल में तो क्या था, घर पे ऐसे वेट करते थे कि 5 दिन आएगा, अभी बहुत सारा खाना मिलेगा अलग अलग टाइप का, और पटाखे की वेट करते थे, नए कपड़े की वेट करते थे। जब स्कूल में था ना तो ऐसा फिक्स रहता था कि दिवाली आई तो ही कपड़े मिलेंगे, अभी तो ऐसा नहीं है, जब चाहो तब खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो और अभी भी मैं मतलब तब रंगोली आती नहीं थी बनानी, लेकिन अभी मैं घर पे दिया जला के रंगोली बना के फ्रेंड्स के घर पे जाके फ्रेंड्स को बुला के आई सेलिब्रेट लाइफ। अच्छा, आज के स्पेशल डे पर स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है आपको और किसकी तरफ से मिला है? स्पेशल गिफ्ट तो ये है कि 2 दिन के बाद मेरी मूवी रिलीज़ है और मैं चाहती हूँ कि मेरी मूवी बहुत ही सक्सेस हो और दिवाली के बाद मेरी और एक मूवी रिलीज़ हो, तो मेरे लिए ये बेस्ट गिफ्ट ही है दिवाली का। अच्छा, हर साल की दिवाली और इस साल की दिवाली में क्या खास बात होने वाली है फिल्म के अलावा? फिल्म के अलावा मेरी फैमिली भी आज यहाँ पे है और मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, सो मतलब उससे बढ़कर कुछ है नहीं लाइफ में, तो ये मेरे लिए भी बेस्ट गिफ्ट है। ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो आपके माता पिता से मिला बर्थडे के दिन जो आपको हमेशा मेमोरेबल रहा? वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे हमेशा बर्थडे में, मेरे सुख में दुख में, मतलब तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। थैंक यू। और पूरा इंडिया ऐसा बोल रहा है बेटी बेटा एक समान, तो मेरे लिए तो बेटे से भी ज़्यादा है। ठीक है, क्या शुभेच्छा देना चाहिए? शुभेच्छा 100 साल जिए और ऐसी तरक्की करते रहे। आज भारत देश में इतना गर्व से 56 इंच का हो जाता है, 156 इंच का हो जाता है मेरा तो। और कितना गर्व हो रहा है उर्वशी की? बहुत गर्व हो रहा है, बहुत। एक फादर होने के नाते क्या शुभकामनाएं और कितनी खुशी? शुभकामना मेरी बहुत है उसके साथ है, ये तरक्की करती रहे करती रहे करती रहे। अच्छा, इसके अलावा कोई बचपन की यादें? बचपन की यादें बहुत है जो बताई नहीं, शेयर करना चाहे देखो, एक शेयर करना चाहूँ तो मैंने आज तक कभी उसको ऐसा थोपा नहीं कि आप ये करो वो करो, उसकी मर्जी से सब करने दिया, बट आप जो करो सही है। एक्चुअली मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मेरी मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि बचपन से मेरे माँ बाप ने कभी मुझे कोई रूल नहीं किया कि आपको यही करना है यही करना है ऐसे ही जीना है, उन्होंने मुझे जो चाहा। मैं फिल्म लाइन, एक्चुअली मैं एक छोटे से गांव से हूँ तो वहाँ पे फिल्म के लिए नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ ये फिल्म में जाते लोग ख़राब हो जाते हैं, ऐसे लोगों की मेंटालिटी रहती है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, उन्होंने बेटा बोला अगर तुम इस लाइन में तरक्की कर रहे हो तो तुम उस लाइन में काम करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ना मेरे घर वालों ने, ना मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव, कभी किसी ने मुझे इस बारे में नहीं बोला, हमेशा वो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और इसी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ।